बात करेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इससे पहले पिछली वीडियो में हमने अलग अलग कंसंट्रेशन यूनिट की बात करी थी, उसी कंटिन्यूएशन में इस वीडियो को हमने आगे बढ़ाया है। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें पहला हमने लिया है वेट बाय वेट परसेंट और मास बाय मास परसेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं इसे, एम बाय एम परसेंट भी कह सकते हैं, जो होता है मास ऑफ द सॉल्यूट बटा मास ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम या किलोग्राम यूनिट दोनों में ले सकते हैं, ग्राम और केजी, ग्राम और केजी सेम यूनिट होना चाहिए, और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। अगर हम एक क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, तो 5 ग्राम ऑफ सुगर डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द सुगर परसेंटेज, कैलकुलेट सुगर परसेंटेज इन द सॉल्यूशन। तो 5 upon 20 plus 5, बिकॉज मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, तो दोनों को जोड़ दिया तब सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का मास आया, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मींस 5 upon 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल हमने इसको कैलकुलेशन किया, सो दैट इज 20% ऑफ बाय मास सुगर इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसी तरह से दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml और लीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम इन ml और लीटर, यानी सेम यूनिट होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है। इसके लिए अगर हम एक क्वेश्चन लें, तो 200 ml ऑफ 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सैंपल ऑफ HCl contains what volume of HCl? What volume of HCl? Simple है, हमारे पास total volume जो है वो है 200 ml. तो 5% volume by volume is equal to volume of HCl, नहीं दिया हुआ है, सो वॉल्यूम हमें पता करना है, वॉल्यूम ऑफ HCl अपॉन 200 ml टोटल वॉल्यूम है हमारे पास, 200 टोटल वॉल्यूम हमारे पास है उसकी, और मल्टीप्लाइड बाय 100, अगेन अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नॉर्मल कैलकुलेशन करें, वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू 5 into 200 divided by 100, सो दिस इज 10 ml ऑफ
HCl is present in 200 ml of total solution. इसी तरह से अगर हम बात करें weight upon volume percent और mass upon volume percent, क्योंकि weight और mass interchangeably use किया जाता है on earth, इसीलिए कुछ भी use किया जाता है, चाहे weight बोले या mass बोले, physics के लिए थोड़ा ये term अलग हो जाता है, but chemistry में दोनों को एक साथ देखा जाता है। उस केस में भी हम क्या करेंगे, mass of सॉल्यूट, लेकिन इन ग्राम में लेंगे तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। ये यूनिट का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मिस्टेक्स कम होंगे। इस पे अगर हम क्वेश्चन देखें, 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, व्हाट इज द weight by volume percent of NaCl present in solution. So clear है, 5 ग्राम को हमने 100 ml water में मिला है, फिर formula आपने ऊपर already दिया हुआ है, तो 5 ग्राम solute हमारा NaCl है, that is in gram. टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 100 ml है। यहाँ पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार मिस्टेक कर देते हैं कि 100 ml एक तरफ है और एक तरफ 5 ग्राम है, हम एक दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं। दूसरा एक सिंपल लॉजिक भी है कि जो नमक है, जो NaCl है, वो सॉल्यूशन में पूरा कंप्लीटली मिल जाता है, उससे वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो नेग्लिजेबल होता है, इसलिए उसको इग्नोर किया जाता है। जब सॉलिड सब्सटेंस जो डिजॉल्व होने वाले होते हैं तो उसको हम थोड़ा अपना लॉजिक लगाएं कि उससे जो चेंज आएगा बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं आता है, तो उसको इग्नोर करके नॉर्मल हम जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही लिख देते हैं, सॉल्यूट के उसको ग्राम को या मास को हम ऐड नहीं करते, और इस तरह से इसको हम फिर 100 से, क्योंकि परसेंटेज है, इसको कैंसिल करेंगे। सो दिस इज 5% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इस तरह से हम ये सिंपल है कर सकते।